श्री सीताराम जी की मंगलमयी कृपा, बागेश्वर हनुमान जी का प्रसाद, सभी संतजनों की दया और इन संतों के चरणों के प्रताप से हमको कुछ देर के लिए भारत में एक सुंदर प्रदेश है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है चिरमिरी को, जो प्रकृति से भी भरपूर है, संस्कृति से भी भरपूर है और सनातन हिंदुओं से भी भरपूर है। हमको आने का सौभाग्य इन संतों के कारण हुआ। जितने भी संत भगवान मंच पर विराजमान हैं, हम नाक रगड़ करके दंडवत कोटि कोटि प्रणाम कर रहे हैं, एवं जितने भी प्रियजन जगह जगह से आए हैं, आप सबको भी सीताराम। और यहां हमको जबरदस्ती लाने का श्रेय हमारे बड़े ही प्रिय आत्मा हमको बहुत मानते हैं, क्योंकि वो कट्टर सनातन का काम करते हैं, हैं तो राजनेता, पर हम उनको राजनेता की दृष्टि नहीं, सनातन की सिपाही की दृष्टि से देखते हैं। ऐसे हमारे प्रिय श्री विजय शर्मा जी, जो छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री भी हैं, लेकिन हमारे तो परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने कहा, महाराज जी एक संत सम्मेलन रखना है, हमको कहीं और जाना था, अभी नेपाल से ही हम वापस आए, धर्म विरोधियों की ठटरी बार कर। अब हमने कहा, चाहे जो हो जाए, छत्तीसगढ़ महतारी है, हमारा घर है, छत्तीसगढ़ हमारी आत्मा है, क्योंकि राम का ननिहाल भी तो छत्तीसगढ़ ही है, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया है। छत्तीसगढ़ का क्या कहना, जहां राजिम में विराजमान राजीव लोचन से प्रारंभ होते हैं, दंतेवाड़ा की दंतेश्वरी भगवती विराजमान, जतमई घटारानी भोरम देव, यहाँ का चिरमिरी के जगन्नाथ महामाया मंदिर, छत्तीसगढ़ के तो कोने कोने में, उस तरफ चले जाओ बस्तर तरफ तो वहां का चित्रकूट का जलप्रपात, ये सब बताता है छत्तीसगढ़ राम का है, छत्तीसगढ़ हनुमान का है, छत्तीसगढ़ संस्कृति का है, छत्तीसगढ़ संस्कृत का है, छत्तीसगढ़ हिंदुओं का गढ़ है। तो हमको बार बार आने का सौभाग्य मिलता रहता है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया, छत्तीसगढ़िया, जो नाम बढ़िया कहे उसकी ठटरी। तो आप सब जो भी मंच पर हैं, सामने खड़े कुछ लोग यहां पर खड़े हैं, जय हो पागलो, देख लिया हमने, देख लिया, हाँ हाँ देख लिया, खुश रहो खुश रहो, कुछ तो पर्चा के चक्कर में आ गए हैं। तो बाबा आ रहा है, हमारे बाप का नाम बताएगा, हाँ लुगाई का नाम बताएगा, छत्तीसगढ़ में लुगाई को क्या कह रहे थे भैया, डौकी। अब भाई हमको ये कोई सिखाया रहा, अभी नहीं बहुत पहले, फिर एक व्यक्ति ने हमको रोक दिया कि ऐसा मत बोला करो। ओ दाई ददामन, जय सियाराम। तो आप सब जितने भी लोग बैठे हैं, कुछ लोग एलईडी के पास में चढ़े हैं, कुछ लोग खड़े हैं, कुछ लोग आगे आने के लिए पुलिस वालों से लड़े हैं, फिर भी कुछ लोग बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हैं, जो जहां विराजमान हैं, हम आप लोगों को भी दंडवत प्रणाम करते हैं। हम हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम
करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी सीताराम 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 बोलो सीताराम सीताराम।